देश विदेश की ताजा तरीन और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों खास तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो किसान विधेयकों का विरोध कर किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं और बिचौलियों के साथ किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रही हैं। वहीं किसानों से आग्रह किया गया है कि वो इस भ्रम में ना पड़ें और सतर्क रहें। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC के कई कंप्यूटरों में हैकरों के द्वारा सेंधमारी की बात सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में सितंबर की शुरुआत में ही केस दर्ज कर लिया था। गूगल ने प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को हटा दिया है। अब पेटीएम ऐप को एंड्रॉइड यूजर्स कुछ समय तक डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। हालांकि पेटीएम मॉल, पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम मनी ऐप अभी भी प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। वहीं एप्पल के ऐप स्टोर से पेटीएम को अब भी डाउनलोड किया जा सकता है। लोकसभा में पीएम केयर्स फंड पर हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और हंगामा बढ़ गया। बिहार में अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले मोदी सरकार लगातार राज्य को कई योजनाओं की सौगात दे रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेलवे की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने शुक्रवार को जनता दल की राज्य सरकार में शामिल होने या समर्थन विस्तार की खबरों को खारिज किया। 3 दिन के दिल्ली दौरे पर आए येदियुरप्पा ने उन अटकलों को खारिज किया जो जनता दल सेक्युलर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के हाल ही में हुई मुलाकात के बाद उठ रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण जैसे मोबाइल आदि की इंटरनेट पैकेज मुहैया करवाएं। कोलकाता पुलिस की एक डिप्टी कमिश्नर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस की दक्षिण पूर्व डिवीजन की डिप्टी कमिश्नर देवास्मिता दास को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए BS4 मानक वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है। ये अनुमति उन BS4 डीजल वाहनों के लिए दी गई है जिनका उपयोग नगर निगमों और दिल्ली पुलिस द्वारा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में किया जाना है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालक प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थान को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।